हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर चिकन 65 बनाने जा रहे हैं और वो भी दो तरीक़ों से। दो तरीके इसलिए कि जो चिकन 65 है उसके बनाने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारा मॉडिफिकेशन है। तो एक हम बनाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से और दूसरा हम उसका जो न्यूली वर्जन है उस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा चिकन 65। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है रॉ चिकन, जिसमें हम डालेंगे, ये बोनलेस चिकन है, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही साथ एक छोटी कटोरी दही, और उसमें हम ऐड करेंगे करी लीव्स। करी लीव्स को मैंने ऐसे बारीक काट लिया है और उसमें डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही साथ बारीक कटी हुई ग्रीन चिली, इसके साथ ही साथ मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चिकन मसाला आप डाल सकते हैं या फिर धनिया पाउडर आप डाल सकते हैं, और ये एक एग मैं डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एग डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसीलिए आप इसे ज़रूर डालिए। और साथ ही साथ हमने इसमें डाला है एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और फूड कलर। फूड कलर से बहुत ही अच्छा कलर आएगा, आप ना चाहें तो इसे ना डालें। इसे दो घंटे के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है ढककर, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप कॉर्नफ्लोर और आधा कप मैदा, आप इसमें ज़्यादा ना डालें। और आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की जगह इसमें चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसे फटाफट से मिक्स कर लिया है और तेल भी मैंने गर्म होने रख दिया था, तो अब हम इसमें अपने एक एक पीस सेपरेटली उठा उठा कर इसमें डालकर हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये फ्राई हो रहे हैं और इसे अच्छा कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट हैं अंदर से, जूसी हैं अंदर से बिल्कुल, और बाहर से क्रिस्पी हैं। तो ये मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब सेम पैन में हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने कटी हुई लहसुन डाली है, अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च और करी लीव्स और हमारा प्याज डालकर हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, और करी लीव्स इसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसे आप ज़रूर डालिए। इसमें हमने यहाँ पर देखिए चिकन 65 में करी लीव्स सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, तो आप उसे ज़रूर डालिए। और यहाँ पर हमारे प्याज भी हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और टोमेटो सॉस डाल रहे हैं। और ये जो हम बना रहे हैं ये चिकन 65 का मॉडिफाइड वर्ज़न है, और इसमें अब हमने जो फ्राई किए हुए जो हमारे चिकन पीसेस हैं हमने उसमें वो डाल दिया है, और आप इसे इस तरीके से फ्राई कर लीजिए सॉसेस के साथ, और थोड़ी सी ऊपर से हरी मिर्च हरी धनिया डाल दीजिए। देखिए हमारा बनकर के तैयार है। अब हम बनाने जा रहे हैं ऑथेंटिक। तो यहाँ पर हमने डाला है, यहाँ पर लहसुन बारीक कटी हुई और हरी मिर्च डाली है, साथ ही साथ यहाँ पर हमने करी लीव्स भी डाले हैं। अब बस इतना ही हमें करना है, और आप इसमें अपने चिकन पीसेस डाल दीजिए। बस ऑथेंटिक तरीके से, इसी तरीके से चिकन 65 बनाया जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे मार्केट में कई सारे वर्जन हैं, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं आपको जैसा अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ आप गार्लिक और ग्रीन चिलीज डाल करके और करी लीव्स डाल करके उसे एक तड़का लगा दिया जाता है, तो ये होता है ऑथेंटिक तरीका, और ये सॉस वाला हमने बनाया ही है, तो आपको जो अच्छा लगे बनाइए।